Assalamu alaikum, and here we are with another vlog. So today we're gonna give you a little tour of Bahria town Danzoo. Danzoo park ke saath saath hum aur bhi Bahria town ke kai mazedar jagahon pe aapko ghumane wale hain. So kahin jaiyega mat aur vlog end tak dekhiyega. So basically aapko Bahria town mein enter hone ke liye ye jo pathway hai usko cross karna padega. So basically अब हम enter हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं Danzoo park के हर दीवार पे बहुत सारे animals की pictures बाकायदा paint की हुई हैं जो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं. As you can see there's panda, zebra, peacock, ostrich and many more. So after crossing the road, we went to the society of Bahria town. Basically हमारी relative वहाँ रहती थी तो हमने सोचा क्यों ना हम इस colony को भी explore करें. This society was way too clean and beautiful to be in Pakistan. The palm tree further enhanced the beauty of this society. The moment we entered Danzoo Park, we were stunned with the beauty of this park. यहाँ पे बहुत सारी greenery थी, छोटे-छोटे hearts थे जो Snow White की stories की याद दिला रहे थे. और इस view को देख के मैं कुछ ऐसा सोच रही थी. Nice. फर्दर हम इस जगह पे पहुँचे. यहाँ पे हमें वेट करना था कि एक ट्रेन आए और हम उसमें बैठे. और जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये पूरे Danzoo Park का एक छोटा सा हमें टूर देंगे. उसके बाद हम खुद आराम से पैदल चल के हर एनिमल केज में जा सकते हैं. सो बेसिकली यहाँ पे हर केज के बाद एक बोर्ड लगा हुआ था जिसमें यहाँ इस केज में कौन सा एनिमल है, वो कहाँ पे पाया जाता है, ये सारी डिटेल्स मौजूद थी. पे जैसे कि आप देख सकते हैं इन एनिमल्स का बहुत अच्छा ख्याल रखा गया था. इनके केजेस क्लीन थे, इनको टाइम टाइम पे खाना भी दे रहे थे, पानी भी दे रहे थे. और जब हम विजिटर्स थे उनको भी मना किया था कि हम भी जैसे पापड़ वगैरह हम लोग जहाँ पर लेते हैं वो इनको ना खिलाएँ. आगे जाके जब आप मंकीज देखेंगे तो वहाँ पे भी एक वर्कर उनको फूड्स खिला रहा था और हम वो लाइव देख रहे थे तो वो बहुत हार्ड फॉर्मिंग था. देखें बात करते करते हम शेरों के केज तक पहुँच भी गए. अब ट्रेन ख़त्म हो चुकी थी तो हम उतर के पर्सनली इनको देख रहे थे. ये रियल लाइफ में और रियल लाइफ में काफ़ी अलग दिखते. ये सामने भी उतने ही ख़तरनाक और गुस्से में थे जैसे कि ये अभी आ जाएंगे हमें खाने. ये पहरा तो ऐसे लगा रहे थे जैसे कि अभी बाहर पिंजरा तोड़ के हमें खा लेंगे. लेकिन आपने ये तो कई जूस में देखे होंगे, यहाँ पे हमें कुछ अलग टाइप का शेर नज़र आया जो थी वाइट लायनेस. शी वॉज एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल एंड वॉज सो आइस प्लीजिंग टू सी हर. नेक्स्ट वी हैड द लायन किंग. ये लायन बहुत लेजी था और आगे आने का नाम ही नहीं ले रहा था तो हमने सोचा चलो आगे एक्सप्लोर करते हैं. उसके बाद मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, सनसेट हो रहा था और जैसे हम सनसेट देख रहे थे तो बीच में जिराफ की गर्दन आ गई तो हमने सोचा पहले जिराफ को ही देख लेते हैं. मुझे अभी तक पर्सनली वाइट लायनेस और जिराफ को देख के बहुत अच्छा लगा. यहाँ पे विजिटर्स को सख्त मना किया हुआ था कुछ खाने के लिए. अगर कोई खिला भी रहा था तो आप देख सकते हैं कि वो नहीं खा रहे थे. बाय हमारे मंकी जिनको ऑफर करने की ज़रूरत ही नहीं थी क्योंकि वो खुद ही अपना खाना खा रहे थे, पहले बनाना और फिर पता नहीं क्या क्या. नेक्स्ट हमने देखी है प्यारे प्यारे से बर्ड. कितना खूबसूरत था इनका. तो वही सीन था कि आग लगे बस्ती में हम अपनी मस्ती में. इतने खूबसूरत थे और इनको कुछ भी परवाह नहीं थी कि हमें कोई देख रहा है नहीं कर रहा. ये अपनी मस्ती में घूम रहे थे, चहचहा रहे थे और बहुत अच्छे लग रहे थे. अब हम बर्ड्स देख ही रहे थे तो हम ऑस्ट्रिच को कैसे इग्नोर कर सकते हैं. तो मैं चली गई ऑस्ट्रिच के केज में. जैसे ही ऑस्ट्रिच ने देखा कि मैं उसकी वीडियो बना रही हूँ तो वो जल्दी से भाग के मेरे पास आ गया और मैंने भी जूम करके उसके पूरे शॉट्स लिए. वेल अब बहुत रात हो गई थी तो हमने देखा कि यहाँ पे एक एनिमल शो हो रहा था तो हमने कहा चलो इसे भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. यहाँ पे बेसिकली वो हमें लाइव एनिमल्स दिखा रहे थे जैसे कि ये टर्टल है जो करीबन कितनी एज का था वो तो आप ही गेस करें. और इनके बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे थे और हमें चांस भी दे रहे थे कि हम उन्हें टच करें. बता देता हूँ ये बड़ा वाला हमारा टॉर्टोइज है, ये मेरे ग्रैंडफादर की एज है, 75 इयर्स ओल्ड इसकी एज है. तो आप इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं.
अगर आप में से कोई सोच रहा है कि बूढ़ा सा कछुआ हमें यहाँ पे एंटरटेनमेंट कर रहा है, तो एंटरटेनमेंट जरूर कर रहा है, मगर ये बूढ़ा नहीं है। 75 साल का है, मगर अभी ये जवान है और इनकी जो नॉर्मल एज है बहुत ही आराम से 100 साल तक क्रॉस कर लेते हैं। जो लोग 100-200 आंसर दे रहे थे वो अपनी जगह पे गलत थे। सो ऐसे ही हमें कई एनिमल्स दिखा रहे थे और ऑडियंस उन्हें गेस कह रही थी। बहुत ही अजीब सा, देखने से आपको लग रहा होगा कि पता नहीं कितनी खतरनाक सी ये लिजर्ड है, कितनी जहरीली होगी या काटने वाली होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल ये नॉन वेनमस है, कम्प्लीटली वेजिटेरियन है। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल और जमीन पर उगने वाली जो घास है उसी को खाती है। इसका गोश्त खाने से कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही इंसानों को ये काटती है। बहुत शाय एनिमल होता है, ये इंसानों को नजर आ जाने पर ही अक्सर भाग जाता है, लेकिन पाकिस्तान में इसकी इलीगल हंटिंग बहुत ज़्यादा है। इसे खतरनाक समझ के भी मार दिया जाता है। इसका इस्तेमाल डिफरेंट तरह की मेडिसिन एंड ऑयल्स में भी किया जाता है, और जो प्रोसीजर है जो मेडिसिन के अंदर इसको जब इस्तेमाल किया जाता है तो बड़ा ही तकलीफ। और हमारी टीम का ये मानना है और ये मैसेज है कि अगर इस तरह का कोई भी एनिमल अगर किसी भी मेडिसिन के अंदर अगर हमें यूज़ करना है तो हमें उसकी फार्मिंग करनी चाहिए, ना कि हंटिंग। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये हमारे पास रेस्क्यू केस है, जब ये कम्प्लीटली हेल्दी हो जाएगा तो इसे इन्वाइट। बात यह है कि ये एज अ सोर्स ऑफ फूड भी यूज़ किया जाता है पाकिस्तान में भी और सऊदी अरब में। ये सुन के बड़ी हैरानी होती है, लेकिन इससे डिफरेंट तरह की डिशेज बनाई जाती है और इसे खाया जाता है। या आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। तो स्पाइनी टेल लिजर्ड, इसको कोई है यहाँ पे जो एक्सपीरियंस करना चाहिए? तो यहाँ पे घूमते घूमते मैं बहुत देर हो गई, तो हम डायरेक्टली घर नहीं गए, हम गए एक लास्ट चीज़ देखने। सो हमें देर तो बहुत हो गई थी, लेकिन फिर भी हम इस वाटर फाउंटेन के लिए रुके क्योंकि यह बहुत खूबसूरत था। इसमें कई लाइट्स चल रहे थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे जैसे आप देख सकते हैं, और इतनी रात इतनी देर हो गई थी फिर भी इतनी सारी रश। हम बहुत देर बाद आए थे, लेकिन फिर भी हमने 15-20 मिनट का वेट किया यहाँ पे खड़े रहकर, सिर्फ इसलिए ताकि हम ये देख सकते हैं, और ये वर्थ इट था। तो आप भी बताइए कि आपको कैसा लगा। इसके लिए हमें आधा घंटा या 15 मिनट वेट करना पड़ा, और ये पूरा शो सिर्फ 5 मिनट का था। हाँ, 5 मिनट का ही था, जिसके लिए हमने घंटा आधा घंटा वेट किया। टाउन के रोड इतने ज़्यादा लंबे थे कि लिटरली हमें कहीं भी पहुँचने के लिए घंटा तो ऐसे ही गुजर जाता था, और बहुत देर भी हो गई थी। लेकिन फिर भी हमने एक और जगह विजिट करने की रिक्वेस्ट की। फिर हम यहाँ पे आए, जिसका व्यू अमेजिंग था। यहाँ पे कुछ ही डिस्टेंस पे कॉन्सर्ट था छोटा सा, और ये सारी सीनरीज थी जहाँ पे हमने बैठ के कुछ खाया, और फिर हम फाइनली घर के लिए लौट गए। अब तो यहाँ पे आपको बहरिया टाउन का गेट भी नज़र आ गया होगा, तो यकीन करें अब हम घर ही जाएंगे। सी यू द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।